पांपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, दो पुलिसकर्मियों का हत्यारा, आतंकी मुठभेड़ में किया ढेर, 9 मुठभेड़ों में 11 आतंकियों का हो चुका है सफाया। पुंछ के बाटा दुरिया के जंगलों में सुरक्षा बलों का अभियान जारी, आतंकियों पर कस रहा है शिकंजा, हाईवे पर भी बढ़ाई गई है निगरानी। और कंबाइंड आर्मी ट्रेनिंग कैंप में सैकड़ों एनसीसी कैडेट बहा रहे पसीना, सैन्य जीवन की दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पांपोर में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पुलिस कर्मियों के हथियारे आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी की पहचान लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर उमर मुश्ताक के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक उमर मुश्ताक ने 8 महीने पहले श्रीनगर में 2 पुलिस जवानों की हत्या की थी। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि हाल ही के दिनों में हुई 9 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने कुल 11 आतंकियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं किए थे, नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। मैंने बिंद्रू साहब के किलिंग के बाद ही जैसे आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे कि हम लोग पीस बनाने में पूरा मेंटेन करने में पूरा मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पुंछ जिले के मेंढर के भाटा दुरिया जंगल में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। इस जंगल में छिपे बैठे आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऑपरेशन में उधमपुर से आए पैरा कमांडो उतरने के साथ हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है, और सेना खोजी कुत्तों की मदद भी ले रही है। अब तक इस अभियान में 2 सैनिक शहीद हो चुके हैं, जबकि कोई भी आतंकी नहीं मारा गया है। जंगल काफी घना है और आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने इसके अंदर पक्के बंकर या गुफाओं में ठिकाने बना लिए हैं। सेना और पुलिस ने हाईवे पर भी मोर्चा संभाल लिया है ताकि आतंकी फरार ना हो सकें। आतंकियों की संख्या के बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को भी सेना के जवानों के साथ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों ने जंगल का चप्पा चप्पा छाना था, लेकिन आतंकी नहीं मिले। इस वक्त हम खड़े हैं बीजी के उस इलाके में जहां पिछले 3 दिन से लगातार इनकाउंटर चल रहा है, और हम आपको ये सामने वाला पूरा इलाका दिखाते हैं। पहले ये घना जंगल हम आपको दिखाते हैं, और इस घने जंगल के साथ नीचे की तरफ पूरे में आबादी है। ये वो इलाका है जहां पिछले 3 दिन से सर्च ऑपरेशन के साथ साथ इनकाउंटर चल रहा है, और इसके आगे जाने की हमें अभी इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहां पुलिस और आर्मी की तरफ से एक नाका लगाया जा रहा है, किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। इस इनकाउंटर के हवाले से एक सुबह बड़ी खबर सामने आई थी कि इस इनकाउंटर के दौरान जहां पहले 2 जवान आज जहां हुए थे, और उसके बाद एक जेसीओ के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है, मगर अभी तक इसकी किसी ने तस्दीक नहीं की है। मगर हम आपको वो इलाका पूरा दिखा रहे हैं, ये नीचे पूरा इलाका घना जंगल इस तरफ है, इसके पूरे घने जंगल के साथ साथ निचले इलाकों में आबादी, और इसी पूरे इलाके में पिछले 3 दिन से इनकाउंटर चल रहा है, और बताया जा रहा है कि वही ग्रुप है जो जिसने पहले पूंछ के इलाके में सेना पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान जहां भाग हुए थे, और उसके बाद इसने मेंढर के इन इलाकों में हमला किया जिसमें 2 जवान अभी तक जहां भाग होने की खबर आई है। मगर आज सुबह दोबारा यहां गोलियों की आवाज सुनाई दी गई थी, मगर इस वक्त एक बार फिर खामोशी इस पूरे जंगल के अंदर देखने को मिल रही है, कहीं से किसी फायर की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी गई है। मगर लगातार इस इलाके में जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मिलिटेंटों और सेना के दरमियान सर्च ऑपरेशन और गोलियों का तबादला हो रहा है, इससे ये बात मानी जा सकती है कि ये वही ग्रुप है। हालांकि DIG राजौरी पूंछ रेंज का ये कहना था कि पिछले 2 महीने से लगातार इन ग्रुप्स पर नजर रखी जा रही है, जिसमें एक ग्रुप को पहले ही मार गिराया गया था और ये दूसरा ग्रुप हो सकता है। हालांकि उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक भी नहीं की गई कि यह नया कोई ग्रुप दरंदाजी करके इस अंदर दाखिल हुआ है या इससे पहले से ही ये ग्रुप इस जंगल के अंदर मौजूद था। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़।
बीजी राजौरी पुंछ। नगरोटा में जारी कंबाइंड आर्मी ट्रेनिंग कैंप में 250 एनसीसी कैडेट्स खूब पसीना बहा रहे हैं। सेना के अधिकारी इन कैडेट्स को सैन्य जीवन की शिक्षा देते हुए दुश्मन को नेस्तोनाबूद करने के तौर तरीके बता रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स के लिए यह ट्रेनिंग आने वाले समय में बेहद कारगर साबित हो सकती है। एम होता है कि हम जो कैडेट्स होते हैं उनको एक आर्मी लाइफ की ग्लिम्स देते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि आर्मी के अंदर क्या डिसिप्लिन है, आर्मी में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर एक रूटीन आर्मी यूनिट के अंदर वो जाते हैं तो किस तरह से नॉर्मल ट्रेनिंग की जाती है। हमारा यहाँ पर एम होता है कि जो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको बच्चे उससे इंट्रोड्यूस हैं, उससे रूबरू हों और उसके बाद वो उसको अपनी लाइफ के अंदर डालें। इन्हीं में से काफ़ी सारे बच्चे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाएंगे तो ये उनको एक कुछ बता भी देता है कि आगे अगर वो यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाते हैं तो उनको किस चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कैडेट्स को फिज़िकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर की ऑब्स्टिकल कोर्सेस, नॉर्मल पीटी, उसके अलावा फायरिंग और हमारे जो बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स के रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो कराते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में भी तैयारी देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 250 कैडेट्स टोटल आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे कद्दावर नेता जम्मू सूबे में कितना रसूख रखते हैं, इसका जीता जागता सबूत आज देखने को मिला। दिल्ली से वापस लौटने पर इन दोनों नेताओं का उनके समर्थकों ने किस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू हवाई अड्डे के बाहर आज उत्सव जैसा माहौल बना रहा, जहां हजारों की तादाद में इन दोनों नेताओं के समर्थकों ने इनकी अगुवाही की। खलैनी सुदमादेव टनल के निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डोडा में आज कई युवाओं ने प्रदर्शन कर इस टनल का निर्माण कर रही कंपनी पर स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कंपनी सभी नियम कानूनों को ताक पर रख रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लोकल बच्चों को ये क्लेनी सुदमादेव टनल में एडजस्ट नहीं किया जा रहा, इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे बच्चे लगाएंगे लेकिन हमारे बच्चे नहीं लगते हैं, बाहर के बच्चे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात हमें बोला जाता है कि प्योरली लोकल बच्चे लगे, मतलब परियोध वगैरह के, लेकिन जब हमने पता किया मतलब ग्राउंड लेवल पे तो वो बच्चे भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगे। इन शॉर्ट हमसे धोखाधड़ी की जा रही है और बाहर के बच्चों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से परसों बात की, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लोगों को भी खासकर, कि आप सब आगे फ्रंट फुट पे आएं, क्योंकि आज चंद लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो बाकी लोग आप मजे ले रहे हो, आप डर रहे हो कि डंडे ना पड़ जाए हमको बाद में। अब ये चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी व जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलरों की नियुक्ति को लेकर अपनाए जा रहे ढुलमुल रवैये पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने एतराज जताया है। परिषद ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर का प्रशासन उच्च शिक्षा को लेकर संजीदगी नहीं दिखा रहा है। इस पूरे मामले पर परिषद के राज्य सचिव मुकेश मिन्हास का क्या कुछ कहना था, आइए देखते हैं। जिस प्रकार से सरकार की जो प्रायोरिटी है वाइस चांसलर को अपॉइंटमेंट करने के लिए, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू हो चाहे जम्मू विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अंदर पिछले 1.5 वर्षों से वहाँ कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, वहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी पिछले जून महीने से जो है वहाँ वाइस चांसलर का टेन्योर खत्म हो चुका है और अभी तक जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर कोई सर्च कमेटी नहीं बनी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर पिछले वर्ष नवंबर के महीने में सर्च कमेटी बनती है और जिसकी जो उन्होंने उसका सबमिशन था वो MHRD को फाइल भी किया था और वहाँ प्रोफेसर संजीव
हैं जो वाइस चांसलर के तौर पर अपॉइंट किए जाते हैं, परंतु आज 3 से 4 महीने बीतने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक वहां पर एज ए वाइस चांसलर ज्वाइनिंग नहीं की है। हम पूछना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की सरकार से, भारत सरकार से, यदि उनकी विलिंग ही नहीं है एज ए वाइस चांसलर के तौर पर काम करने की, तो आप क्यों नहीं जो उस पैनल के अंदर अन्य लोग जो सिलेक्ट हुए थे उनमें से क्यों नहीं आप अभी तक अपॉइंट? विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो ए ग्रेड के अंदर थी आज वो बी ग्रेड की विश्वविद्यालय बना हुआ है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू जो एक नई फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ आई हुई है, जो उसके डेवलपमेंटल काम है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, जो वहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, जो वहाँ डिपार्टमेंट्स बनने चाहिए, तो एक मेजर फैक्टर ये है कि वहाँ कोई परमानेंट वीसी नहीं है। कठुआ में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। कठुआ में अभी तक डेंगू के 40 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के डीसी राहुल यादव का कहना है कि चूंकि डेंगू का मच्छर खड़े पानी में पनपता है, लिहाजा लोगों को तमाम एहतियात बरतनी चाहिए ताकि इस बीमारी पर समय रहते काबू पाया जा सके। मेरी सभी लोगों से ये अपील है, क्योंकि हमारा जो डेंगू का जो मच्छर है वो मेनली ब्रीड होता है स्टैग्नेंट वाटर में, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में और अपने घरों के आसपास स्टैग्नेंट वाटर को ना रहने दें। अपने घरों में आप कूलर की जहाँ पर पानी भरा हुआ है, कूलर अगर आप यूज़ करना बंद कर चुके हैं तो उसमें से पानी निकालिएगा। इसी तरह से टायर्स में या फिर गमलों में अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है, बरसात के बाद के मौसम में कई बार हमारे बर्तनों में या फिर जो है छत पर रखे हुए कुछ सामानों में पानी भरा होता है, तो आप उसको जल्द से जल्द साफ़ कीजिएगा। और अपने आसपास भी अगर कहीं पर पानी भरा हुआ है तो उसको जो है वहाँ पर आप उसको भी साफ़ कीजिएगा। इसी के साथ जहाँ पर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर स्टैग्नेंट वाटर है और तो उसको आप थोड़ा सा डीजल डालकर वहाँ पर भी उसके ऊपर एक ऑयल फिल्म बनाकर उसको भी लार्वा की ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेंगू के 28 मामले सामने आने के बाद जम्मू जीएमसी प्रबंधन अलर्ट पर है। डेंगू के मामलों को देखते हुए जीएमसी प्रबंधन ने टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला किया है। जीएमसी जम्मू की कार्यकारी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एसएमजीएस अस्पताल में भी टेस्टिंग काउंटर बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही प्रिंसिपल ने कहा कि मरीजों का अस्पताल में आना बदस्तूर जारी है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर उनमें से किसी में भी डेंगू की पुष्टि होती है तो उसके इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। हमारा जो पार्ट है वो पेशेंट मैनेजमेंट का रहता है, जिसमें टेस्ट से पहले जो फीवर के केसेस हैं डेंगू कंफर्म हो जाए तो टेस्टिंग पूरी चल रही है हमारी, और आज एक स्पेशल मीटिंग में ये टेस्टिंग काउंटर्स हमने बढ़ा देने का फैसला लिया है, जिसमें एसएमजीएस में और मेडिकल कॉलेज में राउंड द क्लॉक टेस्टिंग चलती रहेगी, एमरजेंसी लैब्स में भी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और उसके अलावा जो रूटीन टेस्ट हैं जिसमें प्लेटलेट्स वगैरह को मॉनिटर करना होता है, तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी अराउंड द क्लॉक सर्विसेज रहेंगी। और मरीज़ जो दाखिल हमारे पास हो जाते हैं, ऐसे ही ब्लड बैंकिंग सर्विसेज हैं जिसमें प्लेटलेट्स देने पड़ते हैं या सिंगल डोनर प्लाज्मा देना पड़ता है मरीजों को, वो भी हमारी सर्विसेज जो हैं वो इन प्लेस राउंड द क्लॉक 24/7 आज से हो जाएंगी। और बेड्स डेडिकेट कर दिए गए हैं, जिसमें 64 बेड्स जो हमारी नई एमरजेंसी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के वो डेंगू के लिए हो गए, और इनके लिए डेडिकेटेड अल्ट्रासाउंड मशीन की भी 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि ज़रूरी है कि कई पेशेंट्स एटिपिकल प्रेजेंटेशंस हैं इस बार डेंगू की, पेट दर्द से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। ये सारी शुरुआत कर दी गई है ताकि मैनेजमेंट में कहीं भी कोई कताही ना हो। जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय की मांग को लेकर 1967 में हुए छात्र आंदोलन के शहीदों की याद में हर साल की तरह इस बार भी जम्मू ज्वाइंट स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आज अनशन शुरू कर दिया। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के बने स्मारक पर
जेजेएसएफ के बैनर तले आज से छात्र 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। सन 1966 में स्कॉट यूनिवर्सिटी यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी की एजिटेशन करते वक्त उस वक्त पुलिस की फायरिंग में 4 छात्र जो हैं वो शहीद हुए थे, जिसमें से 3 छात्र गुलशन हांडा, ब्रिजमोहन शर्मा और सुभाष चंद्र जी जो है 17 तारीख को यहीं पे जिनको शहादत मिली थी, और सरदार गुरचरण सिंह जी को कच्ची छोनी में 18 तारीख को एक स्टूडेंट रैली के दौरान शूट किया गया था। तो उन 4 छात्रों की याद में हर वर्ष की तरह जेजेएसएफ ने इस वर्ष भी जो है 3 दिन तक ये फास्ट रखा है। और उस वक्त जिन चीज़ों के लिए एजिटेशन की गई थी जम्मू के छात्रों के लिए, मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि आज भी हालात वही है। जम्मू के छात्रों को क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर है। और आज हम इस मंच से उस बड़े आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं, और हमारी साफ तौर पर यही मांग है कि जम्मू के कॉलेजों में जम्मू के हर एक विद्यार्थी को जो है वो दाखिला मिलना चाहिए। त्योहारों का सीजन होने के कारण जम्मू शहर के बाजारों में लोगों का काफी रश देखने को मिल रहा है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग जमकर कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी लहर काफी हद तक शांत होने के बाद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में आने वाले लोगों की ये लापरवाही संभावित तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। बाजार में आए कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने माना है कि ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आजकल बाजारों में रश भी काफ़ी है, और मैं देख रहा हूँ कि बिना मास्क के लोग जो घूम रहे हैं, ये आने वाले टाइम में कोविड को बुला रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं किस्म का। और जैसे गवर्नमेंट कह रही है बार बार कि आप इसके रूल फॉलो करो, और हम लोगों की अपनी सेफ्टी है, ना कि इन लोगों के गवर्नमेंट की सेफ्टी है, हम अपनी सेफ्टी खुद करने के लिए हमें चाहिए। जैसे आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है, और मोर ओवर उसके बाद दिवाली, ये दशहरा, सब त्यौहार नवरात्रे के हैं, और मैं कह सकता हूँ कि बाज़ार के अंदर 90% लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, जो कि आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है। और हमें चाहिए खुद इस चीज़ को फॉलो करें और बीमारी को दूर भगाएं। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट बार बार अपील कर रही है, मगर लोगों के मन से जो एक डर खत्म हो गया है, जो अच्छी बात नहीं है। वजह क्या मानते हैं? वजह लोगों की लापरवाही, वजह ये है कि लोगों में खुद ही थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आपका एक नहीं ऐड भी आ रही है टीवी में कि हाथी निकल गया है, धूम रह गई है, और लोगों को ये सोचना चाहिए ये वहाँ पे कि अगर हम किसी कंजेस्टिव एरिया में जा रहे हैं तो थोड़ा मास्क को डालें। मास्क डालने में क्या दिक्कत है? अगर दो आपने कोई वैक्सीन लगा भी रखी है, एक क्या है, दो डोज लगा रखी है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट ये है, मास्क डालने का आपको उसके बाद भी बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आप 4 लोगों के बीच जाते हैं तो उससे मास्क से आपकी खुद की भी सिक्योरिटी रहती है, और जो दूसरे लोग हैं उनकी सिक्योरिटी रहती है। हमें मास्क बगैर बाजार में नहीं आना चाहिए और शादी में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप भी बाजार में आए हैं, बहुत सारा रश है, मास्क नहीं डाला है, क्या कहें? मास्क नहीं डाला है? मास्क तो मेरे पास है, इसलिए नहीं डाला। क्यों डाला, क्यों नहीं है? मुझे बहुत लगता है मास्क डालना चाहिए। हाँ, सब लोगों को क्या कहेंगे? सब लोगों को यही कहूंगी कि मास्क ज्यादा से ज्यादा डालो। आम लोगों को क्या कहेंगे? आम लोगों को यही कहेंगे, बाजार में आते हो ठीक है, घरों में शादी है, आपकी वजह से हमारे बिजनेस चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा मास्क डाल के आओ, हाथ सैनिटाइजर करो, ताकि आप अपने घर में सुरक्षित आराम से जाएं, किसी और को अपनी जान में कुछ ऐसा कोई कोरोना का सिम्टम ना दे। लगता है भीड़ भड़का है? भीड़ तो बहुत है, मार्केट में थोड़ा स्टडी करो देखो, क्योंकि त्यौहार है, दिवाली है, करवा चौथ है, हमारे सीजन है, शादियों के दिन है, लोगों का आना भी बड़ा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि जिनके घर में शादी है वो परचेजिंग करने तो आएंगे, लेकिन उनको ये थोड़ा सा चाहिए कि खुद भी सही रहे, ताकि उनके घर में जो लोग आए कहीं वो सारे बीमार ना पड़ जाए। सभी लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप मास्क डाल के आओ, सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है, सैनिटाइजर करके अंदर आओ, पर लोग मानते नहीं। लोग आप देखो कितना बाजार में रश है, किसी ने भी नहीं मास्क डाला हुआ, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। वैसे तो अभी कोरोना गया नहीं, पर लोग इस चीज़ की बात का पालन नहीं कर रहे।
जम्मू सूबे के कंडी इलाके में इस बार आंवले की बंपर फसल किसानों की किसी काम नहीं आ रही है। किसानों की माने तो सेहत के लिए बेहद लाभदायक माने जाने वाला आंवला के प्रति प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं। किसानों को मंडियों में आंवले की फसल के वाजिब दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। किसानों में प्रशासन के प्रति कितना रोष है, आइए देखते हैं। सिंगल नहीं होती है, हर साल होती है, सारी फसल साड़ी अच्छी है। ये काफ़ी 200 बूटा लाया था आंवले का भी इतने ये कि सारी फसल तो ठीक हो रही है भी इसी अगे कोई चला ही नहीं है जी। अगर कोई कट्ठा करने मंडी जन्ने तो कोई उदी उसे कोई पूछता नहीं, कोई रेट नहीं लगता, कुछ नहीं। वो असें लेबर भी नहीं पाती, लेबर तुआरी है जी लेने तुआरी आंवला लेबर जी भी नहीं पूरी होती उसे जाइए मंडी। अस तो चाहते हैं भी चलो कोई गौरमेंट उस आखती ही अस ये करके इतों चुगे तुआड़ा फसल बिचा चुगे इतने इंडस्ट्रियां लगी जाएंगे इतने ये होग वो होग। उस बड़ा इन्हें किया अज तो कोई उत्थे पुछता ही नहीं, असं मंडी नहीं कोई पुछता ना इतने डिपार्टमेंट वाला पुछता कोई भाई का करना के सिस्टम अगला भाई तुम कि करो। अस चाहते हैं कोई गौरमेंट इसकी कोई इंडस्ट्री ला या कोई यूज करने की स्कीम दे असी कोई जिदे अस भी कोई इसका अपना लाचा यूनिट नहीं कोई वो कर सकते अस अपना जेड़ा अगे चुके भी फिर यूनिट लाने मतलब ये नहीं कि अस इतने रखी उठे बेचन भी लो अगे कोई चुकने वाला भी उदे चाहिए कि चुके यूनिट कोई अगे जो लगे वह मटीरियल जोड़ा अगे बिकया सा चलो चार पैसे लभन इं बूटे गै बढ़ाने वाली गल होने इं पै कनक भी दूजे त्री फसल जोड़े वह भी खराब किए असें तो हमें अपने ही दुखी हो जाए हूँ। फसल बड़ी है आमले की महाराज कोई बनना नहीं है लेकिन बिकते नहीं हैं ना कोई गाकी है ना कोई आता ना कोई लेइए जाओ तो उसे किराया पूरा भी नहीं हो सकता बाकी होर छोड़ो कुछ तो आमले बड़े लगे दिखो भैन जानी है कोई दिखे किन्ने आमले खराब हो सारा फल फसल ना फसल होंदा थल्ले ना किश बड़े मुश्कल ने तंग पे ने अस केह इलाज करना वह गौरमेंट गै करी सकदी अस थोड़े करी सकने महाराज। पहले आखदे बूटे लाओ तो तुसें ये फायदा मिलूग तुसें ये होग थोड़ा सारा किश तुसें मिलूग तो गौरमेंट चुकू जो आमले शामले अंब या जो भी है लेकिन अजकल कोई आंदा ही नहीं है लैने दिखता कोई नहीं है भी आनियाँ दिखिए जा आनिए जेडे मैमले आले ने महकमे आले या कोई बंदा होवे कोई दिखता नहीं महाराज। तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी हमने कहा था सरकार से मांग की थी कि हमारे जो आमले की जो कंडी इलाके की जो इस बार की जो बम्पर फसल है आप देख रहे हैं इस बार इतनी ज़्यादा फसल है आमले की कि टहनियाँ भी टूट रही हैं नीचे गिर रही हैं। मगर हमें उतना ही दुख हो रहा है कि इसका आगे हमें उसका कुछ कोई जो दाम है वो हमें ठीक तरीके से नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जब मंडी में जाते हैं तो 4-5-6-7 रुपये तक जो किलो जाता है आगे जो आड़ती बैठे हैं 5% हमसे ले लेते हैं 5% वो खरीदने वाले से ले लेते हैं और जब जो दुकानों पर जाता है यही आंवला जो है 30-40 रुपये किलो बिकता है किसानों को कुछ नहीं मिलता। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसकी कोई यूनिट लगाए जाएँ जिसका इनका जूस निकाला जाए और ऐसे रेट जैसे जैसे किसानों के लिए गेहूं का रेट तय किया है और मुंजी का रेट तय किया है ऐसे ही फलों का भी रेट तय हो। जम्मू के मढ़ ब्लॉक के पंजोड पंचायत में किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। दरअसल धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों के मुताबिक उनकी 90% फसल तेज हवा चलने के कारण खेतों में पिच गई है। साथ ही कहा कि किसान अपनी फसल पर निर्भर रहते हैं और फसल से ही उन्हें आय की उम्मीद होती है लेकिन बीते दिनों तेज हवाएं चलने के कारण उन्हें काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। तकरीबन 90% को उपर ज्यादा मतलब रेही नहीं एक साढ़े ग्रां नहीं रेही है जिन्हें भी है इलाका है साढ़ा तकरीबन बासपति जिन्हें देखा है जनाब नहीं है तो जिम्मेदार महाराज इे आस होंगी है इसे दिखना उन्हें दुए बेले आनियां ने इतों लभना कख ने जिम्मेदार रोआ पे के करो को अगर फरियाद करो आई आई एग्रीकल्चर हो डिपार्टमेंट हो या डीसी को सारे पुजन नहीं होंगे आई निकी हो सरपंच साहब ने सुना इन्हें सुना रहे हैं कि दौड़ा भज जा खेतर जनाब जल्द आने अस देख नहीं होंगे खेतर दिखे झांकी मारे टुटी साढ़ा मन गै नहीं करता खड़ोने दिखो जल्द खड़ोते कोई मन करा साढ़ा खड़ोने का नहीं ये पराली है भाई ये माल माले फंडी फुंडी पानी और केह करना के करते दसो कोई पेश नहीं इे अपील कर रहा चलो जनाब चलो मता नहीं थोड़ा बहुत गै दे थोड़ा कोई 6 महीने 9 महीने ये दे तुम बड़ा इन्ना ही बड़ा और ऐसे इधर होने का मन करता है मतलब बुरी हालत है
किसान को ज़्यादा ज़्यादा इसी उम्मीद रहती है कि 6 महीने का जो फसल होगा अच्छा होगा, कोई इसे बेचेंगे, कोई कर्ज चुकाएंगे, या जिन्होंने कोई लोन लिया है उसकी किस्त देंगे। मगर अभी क्या पूरा ये खराब नष्ट हो गया, खाली पराल ही पराल है जो जानवरों को काट कर डालेंगे। बाकी इसके साथ कोई दाना तो ऐसा है नहीं जो काट कर बंदा उसको बचाएगा, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस नुकसान की थोड़ी जहाँ जितनी हो सके इसकी भरपाई जो है जो किसानों को थोड़ी मदद मिल जाए, जिससे जो आगे वाला फसल है उसको लगाने के लिए थोड़ा जो उनकी मदद हो जाए। देखो जनाब, साढ़ा ये ग्राम पंजोड़ समझ लिया पूरा मढ़ ब्लाक, ये जरा 2-4 दिन पहले तूफान चलिया, ये वजह करने जिन्ना भी साड़ी किसान ने जी फसल लाई दी ही इं बासपति ये टोटल डैमेज हुई है। असें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही अप्रोच की, वो आए ऐसे मतलब सिर्फ नज़र मारी, लेकिन आखले साढ़े हाथ कुछ नहीं है, तुस उपर अप्रोच करो, DC साहब ही करो। देखो हूँ इन्ने जिमीदार लोग ने, यह सारा गौरमेंट ही पता है, DC साहब ही पता कि किन्ना तूफान चलिया और जी किसानी की फसल टोटली बर्बाद हुई है। साढ़ा देखो जी 6 महीने की इो कमाई होंगी है, किसान है गए पूरे डिपेंडेंट है इस मतलब फसल उपर, अगर फसल गै तबाह हुई तो किसानी के जोड़े जिमीदार लोग ने उन्हें बच्चे ही पढ़ाना, अपना भी मतलब नाच वगैरह जो भी अपनी रोजी रोटी चलानी, ये बड़ा मुश्किल है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।